का वो है रिपेयर, रिप्लेस, रिन्यूअल और रिनोवेशन ऑफ एन एसेट। एक एसेट का जब रिपेयर किया जाता है उसको रिप्लेस या रिन्यूअल या फिर आप रिनोवेशन कह सकते हो। तो ऐसे में जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होता है रिपेयर पे, रिप्लेस पे, रिन्यूअल पे, तो उस एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर टैक्स में कुछ एडवांटेज होती है क्या उसकी, ये सब बातें हम इस लेक्चर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी अपने बिजनेस में एक एसेट यूज करती है। एसेट मतलब फिक्स एसेट। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड यूज करती है अपने बिजनेस में एक एसेट। इस एसेट का जब वो यूज करेगी तो उस पे देखो रिपेयर भी कराना पड़ता है, टाइम टू टाइम रिपेयर भी कराना पड़ता है, तो रिपेयर पे जो एक्सपेंस होगा। और दूसरा हो सकता है इस एसेट के कुछ पार्ट जो है वो डिफेक्टिव हो जाए तो उनको रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, या फिर पूरी की पूरी एसेट्स को भी रिप्लेस करना पड़ सकता है, या फिर पूरा उसको रिन्यू किया जा सकता है। तो उस पे जो एक्सपेंस होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। लेकिन देखो ट्रीटमेंट जानने से पहले आप ये समझ लो कि रिपेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल का मतलब क्या होता है। इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा रिपेयर एक्सपेंसेस और रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट पे जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें डिसाइड करना है कि वेदर एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर और रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमें देखना होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर शॉर्ट में बोलूँ आपको तो वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट जो है बिजनेस करते हैं या कोई पर्सन जो है अपने बिजनेस में 1 साल तक लेता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल जिसमें एक लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिले वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक फ्रेश एडवांटेज मिल जाए आपको। चलिए अब देखते हैं हम रिपेयर का मतलब क्या होता है। रिपेयर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेंटेन एन एग्जिस्टिंग एसेट फॉर प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम के लिए आपके पास कोई एसेट है एग्जिस्टिंग पहले से, उसको मेंटेन करना चाहते हो उस प्रेजेंट टाइम के लिए। मतलब मैं बात करूं पर्टिकुलर कंसर्न की, किसी फाइनेंशियल ईयर की, तो मेरे पास कोई मशीनरी है बिजनेस में, किसी पर्सन यानी एबीसी की बात कर रहा हूं मैं, तो एबीसी का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एबीसी लिमिटेड के पास एक मशीनरी है, मशीनरी वो यूज कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर, और हो सकता है कि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट हो जाए कोई पार्ट के अंदर कि उसमें कुछ उस समय के लिए वो मशीनरी वर्क करना थोड़ी देर के लिए कम कर दे, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है मशीनरी, तो उसके लिए रिपेयर किया जाता है। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उस प्रेजेंट टाइम के लिए, उस एसेट्स को एक मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन ताकि वो वर्क करती रहे पहले की तरह। तो एक तरह से उसको मेंटेन रखने के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको हम बोलते हैं रिपेयर, यानी रिपेयर पे जो एक्सपेंसेस होगा वो रिपेयर एक्सपेंसेस होता है। रिपेयर का मतलब होता है जब कोई भी आप खर्चा करते हो एक एग्जिस्टिंग एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए, प्लीज नोट द वर्ड प्रेजेंट टाइम के लिए। तो मशीनरी है कोई पार्ट उसका काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है उस पर रिपेयर कराना पड़ जाए, तो वो रिपेयर प्रेजेंट टाइम के लिए होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल। नाम से मालूम पड़ रहा है रिप्लेसमेंट मतलब ब्रिंग न्यू एसेट्स, एक नई एसेट्स लेके आना। या तो देखो रिप्लेसमेंट या तो कोई डिफेक्टिव पार्ट का होता है, रिप्लेसमेंट या तो कि डिफेक्टिव पार्ट का होता है पूरी मशीनरी के अंदर, हो सकता है कोई पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उसी पार्ट को एक तो आप रिप्लेस करा लो, तो एक डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस कराते हो आप, या फिर पूरी मशीनरी को भी आप रिप्लेस करा सकते हो, पूरी मशीनरी को भी आप रिप्लेस करा सकते हो, या फिर आप रिन्यू करा सकते हो कि नई मशीन लेके आ सकते हो। इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल। यहाँ पे जो बात ध्यान में रखनी है आपको, रिप्लेसमेंट रिन्यूअल मीन्स ब्रिंग न्यू एसेट और पार्ट ऑफ एन एसेट टू ऑब्टेन फ्रेश एडवांटेज। यहां पर जो फ्रेश एडवांटेज लेने के लिए रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल किया जाता है, फ्रेश एडवांटेज लेने के लिए। अब मैंने बातें कर ली आपको कि रिपेयर क्या होता है, रिप्लेसमेंट रिन्यूअल क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि जो एसेट यूज की जाती है बिजनेस के अंदर, जैसे मान लो मशीनरी, तो उसपे जो भी रिपेयर पे एक्सपेंस होगा, जो भी उसके रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट पे जो एक्सपेंस होगा उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टैक्स
पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि एक अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले देखो एक्सपेंस जो होगा रिपेयर पे, एक्सपेंस जो रिपेयर पे किया जाता है, एक्सपेंस जो रिपेयर पे किया जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यानी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे एबीसी कंपनी पर्सन है, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। वो एक्सपेंसेस जो रिपेयर पे किया जाएगा उसकी डिडक्शन मिल जाती है। यानी जब ये कंपनी एबीसी अपना प्रॉफिट लॉस बनाएगी, अब तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनते हैं एज पर शेड्यूल थ्री। तो जब ये कंपनी जो एबीसी है अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगी या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएगी तो अपने डेबिट साइड में दिखा देगी टू रिपेयर एक्सपेंस, यानी इनको डिडक्शन मिल जाएगी रिपेयर की। उसके बाद जो एक्सपेंस होता है रिप्लेसमेंट पे या फिर रिन्यूअल पे, एक्सपेंसेस होता है जो रिप्लेसमेंट पे और रिन्यूअल पे, तो उसको कैपिटलाइज किया जाता है। देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप हम रिप्लेसमेंट करते हैं किसी पार्ट का, वो एक रेवेन्यू की तरह ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसका। कंपनी चाहे तो यहाँ डेबिट में दिखा सकती है, अगर रिप्लेसमेंट कराती है कंपनी किसी डिफेक्टिव पार्ट ऑफ एसेट का तो यहाँ पे वो डेबिट दिखा सकती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लिबर्टी है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिबर्टी है, पर्सन जो है कंपनी एबीसी लिमिटेड यहाँ पे वो खर्चा दिखा सकती है डेबिट में, लेकिन कंपनी ऐसा करती नहीं का, क्योंकि कंपनी उसको कैपिटलाइज करती है। कैपिटलाइज करने के फायदे क्या है, कैपिटलाइज करने के फायदे क्या होते हैं, तो जो भी एक्सपेंस होगा रिप्लेसमेंट पे या रिन्यूअल पे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एक कंपनी यहां पर कंपनी कोशिश करती है उसको कैपिटलाइज करने की, कंपनी कोशिश करती है उसको कैपिटलाइज करने की, क्यों, फॉर द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। फॉर द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एक अच्छा प्रॉफिट शो करने के लिए, और फॉर इंक्रीजिंग द ब्लॉक ऑफ द एसेट्स, एसेट का जो ब्लॉक होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि उनको एक हायर लोन मिल सके बैंक से। अगर ब्लॉक ऑफ एसेट जो है वो ज्यादा, उसमें ज्यादा अमाउंट होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो बैंक से आसानी से हायर लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है एबीसी लिमिटेड द्वारा। लेकिन ध्यान ये रखना है अगर कंपनी कैपिटलाइज करती है तो ऐसे केस में जो टैक्स लायबिलिटी होती है उस समय के लिए, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी वो देख लो आप। जैसे सपोज करो एक मशीनरी है, उसका पार्ट है कोई डिफेक्टिव, उसका रिप्लेसमेंट कराती है कंपनी, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, उसकी मशीनरी है और कंपनी मशीन का कोई पार्ट जो है डिफेक्टिव उसका रिप्लेसमेंट करा लेती है, तो यहां पर कंपनी उसको कैपिटलाइज करती है। कैपिटलाइज करती है इसका मतलब कंपनी अपने जो ब्लॉक ऑफ एसेट कंपनी का होगा मशीनरी का, उसमें उसको ऐड कर देगी। सपोज कंपनी यहां पे जो एक्सपेंस कर रही है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ एसेट्स पे वो कर रही है 50,000 मान लेते हैं हम। तो पहला तो ये है कि जो सपोज मान लो कि कंपनी जब अपना प्रॉफिट लॉस बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएगी, तो यहां पर मैंने यहां पर जीपी ले लिया 5 लाख रुपए, ग्रोस प्रॉफिट कंपनी का 5 लाख रुपए है, तो इसमें से कंपनी लेस कर देगी, इसमें से कंपनी लेस कर देगी। अगर कंपनी डायरेक्टली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस डायरेक्ट खर्चे को डेबिट मारती है कंपनी, अगर डायरेक्टली डेबिट मारती है कंपनी, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम आ जाएगा, देखो 4.5 लाख रुपए आ जाएगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने मशीनरी के किसी पार्ट को जो डिफेक्टिव पार्ट था उसका मैंने रिप्लेसमेंट कराया, उस पर एक्सपेंस किया, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको डेबिट मार सकता हूँ, यानी कंपनी जो है उसको डेबिट मार सकती है पूरे को। तो डेबिट अगर कंपनी मारती है तो इससे उसका जो है टैक्स, सॉरी इनकम जो है नेट प्रॉफिट वो कम हो जाएगा। तो इस पे जब टैक्स निकाला जाएगा मान लो 30% के हिसाब से, तो टैक्स आएगा 1,35,000। अब एक ऑप्शन ये है कि कंपनी इसको कैपिटलाइज कर लेती है, तो यहाँ पे तो देखो प्रॉफिट मेरा जैसे ही मैंने एक्सपेंस डेबिट किया 5 लाख में से, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है 4.5 लाख रुपए आ गया, तो इस पे जो मेरे टैक्स निकला 30% के हिसाब से वो आया 1,35,000 रुपए। अब अगर कंपनी जो एबीसी है इसको कैपिटलाइज कर लेती है, मतलब 50,000 का जो रिप्लेस कराया है वो ग्रोस में ऐड हो जाएगा, तो इस 50,000 पे मान लो कंपनी अभी इस साल तो चार्ज कर सकती है डेप्रिसिएशन, अभी इस साल चार्ज कर सकती है डेप्रिसिएशन, तो मान लो 10% के हिसाब से 50,000 का 5% चार्ज कर कंपनी चार्ज कर लेगी डेप्रिसिएशन, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4,95,000, वो 30% के हिसाब से टैक्स बन जाएगा वो बन जाएगा 1,48,500। मतलब अगर कंपनी कैपिटलाइज करती है इसको तो डायरेक्टली डायरेक्ट पूरा का पूरा जो एक्सपेंस है वो उसको डेबिट नहीं कर सकती, वो चार्ज कर सकती है डेप्रिसिएशन धीरे धीरे, तो इससे उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है उस साल की वो बढ़ जाएगी, लेकिन आने वाले टाइम में इसका
धीरे धीरे एडवांटेज मिलेगी डेप्रिसिएशन की। लेकिन अगर पूरा खर्चे को डेबिट मार लेती है तो वहां पे टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। तो मैंने आपको समझाया कि जब कंपनी जब रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स पे जब वो एक्सपेंस करती है तो कंपनी उसको कैपिटलाइज करती है, तो कैपिटलाइज करने से टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है उस समय के लिए। तो यहां पर टैक्स लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो ली, अब बात कर लेते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैक्स के दृष्टिकोण से क्या होता है। देखो, जो भी कंपनी खर्चा करती है, जो भी कंपनी खर्चा करती है उसको कैपिटलाइज करना है नहीं करना वो डिपेंड करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन पे। जो भी कंपनी खर्चा करती है एसेट्स पे उसको कैपिटलाइज करना है नहीं करना, उसको कैपिटलाइज करना है नहीं करना वो डिपेंड करता है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो प्रोविजन है वो डिसाइड करते हैं कि जो खर्चा आपने किया है एसेट्स पे उसको कैपिटलाइज करोगे या नहीं करोगे। कौन डिसाइड करेगा? प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 30 जो है वो ये कहता है, सेक्शन 30, कि सपोज कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो अपने बिजनेस में कोई बिल्डिंग यूज करती है, वो अपने बिजनेस में एक बिल्डिंग यूज करती है और इस बिल्डिंग यानी प्रेमाइस यूज करती है। तो इस बिल्डिंग पे इस कंपनी को अगर इसने रेंट पे ले रखा है तो रेंट पे जो भी एक्सपेंस होगा वो 100% डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। रेंट पे अगर बिल्डिंग ले रखी है तो रेंट पे जो भी खर्चा कंपनी कर रही है, जो भी एक्सपेंस कर रही है, उसकी कंपनी को 100% डिडक्शंस मिल जाती है। अगर कंपनी इस बिल्डिंग पे कोई रिपेयर एक्सपेंस करती है, रिपेयर जो होना चाहिए वो करंट होना चाहिए, रिपेयर जो होना चाहिए वो करंट होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए होना चाहिए। एग्जिस्टिंग एसेट्स की कंडीशन को, जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन है उसको मेंटेन रखने के लिए सिर्फ जो एक्सपेंस किया जाता है उसको बोलते हैं रिपेयर एक्सपेंसेस, करंट रिपेयर होना चाहिए। तो एबीसी लिमिटेड एक बिल्डिंग यूज करती है अपने बिजनेस पे, अगर वो रेंट पे लेती है उस बिल्डिंग को तो रेंट पे जो भी खर्चा करेगी, रेंट एक्सपेंस जो भी वो करेगी उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। यानी जब भी वो अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएगी उसमें अपने डेबिट साइड में दिखा सकती है टू रेंट। ठीक है, अगर इस बिल्डिंग पे कंपनी कोई रिपेयर एक्ट करवाती है, कोई रिपेयर करा लेती है, कोई रिपेयर एक्सपेंस होता है, तो ऐसे केसेस में रिपेयर की भी डिडक्शंस मिल जाती है, ये भी एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होते हैं। ये तो मैंने बात करी कि अगर कंपनी बिल्डिंग को रेंट पे लेती है। मान लो कंपनी की खुद की हो सकती है बिल्डिंग, कंपनी की खुद की बिल्डिंग हो सकती है, तो कंपनी की खुद की बिल्डिंग होने से कंपनी जो भी रिपेयर एक्सपेंस करेगी, जो भी कंपनी रिपेयर एक्सपेंस करेगी उसकी 100% कंपनी को डिडक्शन मिल जाती है, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता है एज पर सेक्शन 30। करंट रिपेयर होना चाहिए तभी इसको माना जाता है रिवेन्यू नेचर का। इसके अलावा बिल्डिंग अगर खुद की है कंपनी की तो कंपनी इंश्योरेंस का डिडक्शन ले सकती है, या कोई टैक्स कंपनी पे करती है म्यूनसिपल टैक्स के रूप में तो भी उसकी डिडक्शन मिल जाती है कंपनी को। बात कर रहा हूँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 30 बोलता है कि कंपनी कोई अगर अपने बिजनेस में कोई बिल्डिंग यूज करती है, कोई प्रमेश यूज करती है, जो भी अगर उसकी खुद की है तो जितना भी वो टैक्स पे करती है, रेंट पे करती है, इंश्योरेंस पे करती है, रिपेयर खर्चा पे जो भी एक्सपेंस करती है उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी पूरी की पूरी। अगर रेंट पे ले रखा है तो रेंट एक्सपेंस की छूट मिल जाएगी यानी डिडक्शन मिल जाएगी, और रिपेयर एक्सपेंसेस वो भी जो है डिडक्टेबल होगा। यानी जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएगी उसको डेबिट साइड में वो डेबिट मारेगी, यानी उस एक्सपेंसेस की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 31 बोलता है कि अगर कोई कंपनी, मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी, आप मैं एग्जाम्पल एबीसी का लिया है तो बार बार मैं एबीसी रिपीट करूंगा, कंपनी एबीसी लिमिटेड है वो अपने बिजनेस में यूज करती है मशीनरी या प्लांट या कोई फर्नीचर यूज करती है। कंपनी एबीसी लिमिटेड जो है वो अपने बिजनेस में, या कोई किसी का कोई प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के अंदर भी अगर कोई पर्सन जो है वो मशीनरी प्लांट या फर्नीचर यूज करता है तो जो भी एक्सपेंस होगा रिपेयर पे इंश्योरेंस पे, जो भी एक्सपेंस होगा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इंश्योरेंस भी हो सकता है, बिल्कुल मशीनरी प्लांट फर्नीचर का इंश्योरेंस हो सकता है। तो एबीसी लिमिटेड अगर अपने बिजनेस में किसी मशीनरी को, प्लांट को या फर्नीचर को यूज करती है तो जो भी वो खर्चा करेगी, जो भी वो एक्सपेंस करेगी रिपेयर इंश्योरेंस पे, वो उसकी कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगी, वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। लेकिन नोट रखना, रिपेयर जो है वो करंट नेचर का होना चाहिए, रिपेयर जो है वो करंट होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम के लिए होना चाहिए। आपकी जो एडवांस, आपकी जो इंटेंशन है यानी कंपनी की जो इंटेंशन है वो ये नहीं होनी चाहिए कि इससे कोई फ्रेश एडवांटेज लेनी है, एक प्रेजेंट टाइम के लिए एग्जिस्टिंग एसेट्स की कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए जो रिपेयर होता है उसको करंट रिपेयर बोलते हैं, यानी एक करंट ईयर के लिए उसका बेनिफिट आप लेना चाह रहे हो, इंटेंशन फ्रेश एडवांटेज की नहीं है।
अब हम बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग मीन्स इट्स ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग मीन्स टैक्स लायबिलिटी को कम करना बाय यूजिंग द यू नो एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट्स एंड रिलीफ। तो जो भी इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस होते हैं उनको हम उसमें जो रिबेट्स होती है, रिलीफ होती है, टैक्स हॉलीडेज होते हैं, उनका हम यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। टैक्स लायबिलिटी तभी कम होती है जब हमारी टैक्सेबल इनकम कम आती है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम अपनी ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेते हैं, एटीसी टू एटीयू। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग की। तो टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, यानी एबीसी को जो कंपनी है उसको अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए इन फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। कौन से पॉइंट्स? किसे रिगार्डिंग? रिपेयर और रिप्लेस ऑफ एन एसेट्स। तो देखो, बिजनेस लॉस होता है, अगर कंपनी को कोई बिजनेस लॉस हो जाता है तो कंपनी को अलाउड होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, टैक्स प्लानिंग में ये अलाउड होता है कि वो बिजनेस लॉस जो होता है उसको वो सेट ऑफ कर सकता है। बिजनेस लॉस को वो किसी बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकता है या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर उस साल सेटअप नहीं हुआ तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। दूसरी बात, अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है, अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो रिलेवेंट ईयर में कम आने वाली है, रिलेवेंट ईयर में कम आने वाली, तो कंपनी ये डिसाइड कर ले कि जो रिपेयर एक्सपेंस वो करने वाली है उसका थोड़ा पेस कम कर ले, यानी वो कम खर्चा करे। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि उसका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है रिलेवेंट ईयर में वो कम होने वाला है, कम होने वाला है, तो ऐसे केसेस में कंपनी को ध्यान रखना है कि जो भी वो रिपेयर एक्सपेंस करने वाली है, जो भी वो रिपेयर एक्सपेंस करने वाली है वो कम करे, यानी उसका पेस कम रखे। ये बेटर कंपनी के लिए बेटर होगा, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कम होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का खर्चा करेगी तो कंपनी के लिए अच्छा होगा। ये टैक्स प्लानिंग है। उसके बाद अगर रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस करा लो आप, लेकिन पूरी मशीनरी या पूरी एसेट्स को आप रिप्लेस ना करा के आप उसके पार्ट को रिप्लेस करा लो, क्योंकि तो जो पार्ट ऑफ एसेट्स होता है उसको अगर रिप्लेस कराते हैं हम तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस डिट होके उसकी डिडक्शन मिल जाती है। और अगर आप कंप्लीट एसेट या पूरी मशीनरी को आप रिप्लेस कराते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको हर साल चार्ज करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे ऐसे ही। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।